हेलो दोस्तों, रीजनिंग का सिलेबस के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सिलेबस रीजनिंग का जो सिलेबस है वो 4 से 5 टॉपिक VBI होता है। VBI होता है जो 4 से 5 चैप्टर है या टॉपिक है वो बोल दीजिए, वो VBI होता है। जो सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है साइलोलिज्म। साइलो जिसम इसको लिखा जाता है लेकिन साइलोलिज्म पढ़ा जाता है। ये हो गया पहला। जो दूसरा हो गया आर्ग्यूमेंट, एजम्पशन एंड आर्ग्यूमेंट, एजम्पशन एंड आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ये हो गया। और जो थर्ड हो गया, थर्ड में दो आप मान लीजिए, एक हो गया आपका क्लॉक, थर्ड में फाइंडिंग मिसिंग वन या प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, ये नहीं देगा। मिसलेनियस आप कर लीजिए, नहीं रैंकिंग सीटिंग अरेंजमेंट कर लीजिए, सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट। और इसी में एक इंक्लूड कर लीजिए ब्लड रिलेशंस, ब्लड रिलेशन। और जो फाइनल फोर्थ चैप्टर है मेरा, फोर्थ चैप्टर जो है आपका इनपुट आउटपुट वर्ड आर्ग्यूमेंट, वर्ड आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड इनपुट, इनपुट आउटपुट। और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये चारों, इससे साइलोलिज्म से, एजम्पशन एंड आर्ग्यूमेंट से, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस और वर्ड आर्ग्यूमेंट एंड इनपुट आउटपुट, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। लगभग 12th, 14th क्वेश्चन या 12th क्वेश्चन इससे दे ही देते हैं साइलोलिज्म से। और बचा आपका 3-4 और है, उसको भी देख लीजिए ताकि मैं शुरू से पढ़ा सकूँ आपको सिलेबस बाय सिलेबस करके। टोटल जो उसका बेसिक होता है और ट्रिक होता है वही मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद आप देख लीजिए एनालॉग, जो 5वां है एनालॉग टेस्ट, एनालॉजी टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं एनालॉजी टेस्ट। 6ठा जो हो गया आप कोडिंग डिकोडिंग जान ही रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग एनी हाउ दो क्वेश्चन देता ही है, कोडिंग डिकोडिंग लगभग 2 क्वेश्चन ये देता है, एनालॉग टेस्ट से भी 2 क्वेश्चन दे ही देता है एग्जामिनेशन में। और दोस्तों मेन है डायरेक्ट डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये तो पूरा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इससे रहता ही है डायरेक्शन से, डायरेक्शन से, डायरेक्शन से। बस ज़्यादा नहीं, 7 से 8 चैप्टर ही आपको करना है, जो मैं इजिली करवा दूंगा आपको टोटल, टोटल बाय ट्रिक, बाय ट्रिक एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।